आपका कैसे हो फ्रेंड्स। तो देखिए, मेरे फ्रूट एंड गार्डन में मैंने ऐसे सीड डाल के छोड़ दिए थे कंपोस्ट में, तो उस कंपोस्ट से ही मेरे ये प्लांट तैयार हुए हैं जिन्हें कहते हैं करेला। घर में सब्जी बनती है और हमारे घर में सबकी फेवरेट सब्जी है फ्रेंड। काफ़ी अच्छी बनती है, प्यारी बनती है और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बिना केयर के अच्छे से चलता है प्लांट। देखिए, ये मेरा का इसमें निकल आया किसी वेस्ट मटेरियल में और बहुत अच्छी ग्रोथ पे है फ्रेंड। देखिए, प्यारे प्यारे ये फ्लावर हैं और उसके नीचे जो ये बन रहे हैं ये करेले हैं। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने अभी निकाला भी नहीं, मैंने सोचा पड़े रहने देते हैं, क्या ले रहे हैं। तो ये करेले हैं फ्रेंड और मैंने आपको दिखाया, मैं इसके बाद अपडेट देती रहूँगी आपको कि अब हमारे प्लांट इंशाल्लाह ख़राब नहीं होंगे। जितनी गर्मी की मार झेलनी थी झेल चुके हैं, अब इनके बहुत अच्छा बसंत का मौसम आ गया है और ये हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। जिस प्लांट में आपके फ्लावर नहीं भी आते हैं अब उसमें शुरू हो जाएंगे फ्रेंड्स। तो आइए दिखाती हैं हम आपको अपने गार्डन का व्यू थोड़ा सा। फ्रेंड्स देखिए, ये जेठरूपा का प्लांट है, काफ़ी अच्छा होता है और सदाबहार होता है। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, इसके फ्लावर खिलते ही रहते हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जाता। इसने मेरे जनवरी में फ्लावरिंग थोड़े दिन के लिए रोकी थी और उसके बाद से ये फिर खिलने लगा। ये देखिए हमारा चंपा, इसमें फिर से नई फ्लावरिंग बर्ड्स आ गई और वाली फ्लावरिंग बर्ड तो मैंने अब 2 महीने से दिखा रही हूँ मैं आपको, खिल रही। बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा। वो देखिए मेरा खूबसूरत सा एलमंडा, बहुत प्यारे फ्लावर आते हैं इस एलमंडा के और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। मैंने बोला था कि अब वो मौसम आ गया है जहाँ हमारे बारिश के मौसम में बहुत से फ्लावर हमारे गार्डन में खिले हुए दिखेंगे। एलमंडा बहुत प्यारा प्लांट है। इसकी मिट्टी वेल ड्रेन बनाइए फ्रेंड, एक पार्ट रिवर सैंड, एक पार गार्डन सॉयल, एक पार कंपोस्ट लेके नीम की खली थोड़ी सी बोन मील मिला के खूब अच्छी सी फ्लावरिंग आप इससे ले सकते हैं फ्रेंड। काफ़ी अच्छा प्लांट है, धूप का प्लांट है। अब इसको आप फुल सन में रखिए। मैं भी ग्रीन नेट हटाने वाली हूँ, मई जून में मैंने इसको ग्रीन नेट में रखा था फ्रेंड। और ये मेरा लास्ट ईयर का प्लांट है और मैं अब इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ करना शुरू कर दूंगी। मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र अब मैं इसे दूंगी, या बनाना पील का फर्टिलाइज़र मैं इसमें दूंगी। बोन मील भी आप दे सकते हैं फ्रेंड्स। तो काफ़ी अच्छा फ्लावरिंग प्लांट है और ये अब आप फुल सन में रख सकते हैं। पानी आप इसको देख सकते हैं, दे के दे सकते हैं। अगर आपके मिट्टी सूखी है तो आप इसमें पानी दे दीजिए फ्रेंड, वरना रेनी सीजन में पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब से बारिश शुरू हुई 15 दिन से मैंने कोई भी वाटरिंग अपने प्लांट्स में नहीं की है। तो फ्रेंड, पानी का बहुत ख्याल रखिए, ड्रेनेज होल का बहुत ख्याल रखिए, मिट्टी के पॉट यूज़ करिए, काफ़ी अच्छा होता है। और मिट्टी को फुल कर दीजिए, भर दीजिए पॉट से, जिसमें पानी ज़्यादा उसमें ना रुकने पाए, रुकेगा पानी तो आपके प्लांट की जड़ें जो होती हैं वो ख़राब होंगी। फ्रेंड, इसका मेरे पास एक पिंक भी है और येलो बहुत खूबसूरत लगता है। तो फिर चलते हैं फ्रेंड, फिर मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए बाय फ्रेंड। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती है फ्रेंड्स तो प्लीज़ फ्रेंड मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब भी कर दें फ्रेंड। तो बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।